अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, इनायस किचन में आप सबका इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस पॉम्फ्रेट रवा फिश। पॉम्फ्रेट को हम पॉपलेट के नाम से भी जानते हैं। पॉपलेट फिश बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है और खाने में तो इतनी लजीज और इतनी टेस्टी होती है कि बिना खाए रहा नहीं जा सकता। तो चलिए उसकी रेसिपी देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। पॉपलेट फिश बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/2 kg पॉपलेट फिश लिया है, उसे अच्छी तरह से धोकर क्लीन किया है। तो चलिए उसे सबसे पहले मसाला लगाकर मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। मसाला लगाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1/2 piece लेमन, 1 teaspoon सॉल्ट और 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर लिया है। तो चलिए उसे मसाला लगाते हैं ताकि उसे हम मैरिनेट होने के लिए रख सकें। सबसे पहले हम फिश में नमक डालेंगे, उसी के साथ हम उसमें हल्दी भी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद हम उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, उसके बाद हम उसमें लेमन डालेंगे और तमाम पीसेस को अच्छी तरह से मसाला लगा लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि हर एक पीस को हमें अच्छी तरह से मसाला लगाना है, क्योंकि हमें इसे मसाला लगाने के बाद 1 घंटा हमें उसे फ्रिज में रखना है ताकि वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। आप देख सकते हो पूरी तरह से हमारे तमाम पीसेस को अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। तो चलिए अब हम एक बाउल लेते हैं या एक कंटेनर जो भी आपके पास हो जिसके ऊपर हम अच्छी तरह से लीड लगा सके, इस तरह का एक बर्तन लेना है और उसमें तमाम पीसेस को अच्छी तरह से डाल देना है। और डालने के बाद जो मसाला बाकी है उस मसाले को भी हम अच्छी तरह से उस फिश पर अच्छी तरह से लगा लेंगे और लगाने के बाद हम उस बर्तन को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और उसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेंगे। अब हम 1/2 bowl रवा लेंगे, उसी के साथ 1 teaspoon मसाला और 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर लेंगे। अब हम एक प्लेट या आपके पास कोई बाउल होगा तो उसमें रवा डालेंगे और उसी के साथ उसमें मसाला और रेड चिली पाउडर डालेंगे और तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो हमें रवे के साथ मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो चलिए अब हमारा 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे बाद आप देख सकते हो कि हमारे तमाम पीसेस अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं। तो चलिए उसे फ्राई करने की तैयारी करते हैं। फ़िश फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन में ऑयल गर्म किया है। अब हम एक फ़िश का पीस लेंगे और उसे हम उस रवे में अच्छी तरह से डिप करेंगे। जब अच्छी तरह से उस मच्छी को अच्छी तरह से मसाला लग जाए तो हम उसे उठाकर उस गर्म ऑयल वाले पैन में डालेंगे और इसी तरह से हम बाकी एक एक करके पीसेस डालेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हो हम रवे में फ़िश को अच्छी तरह से डिप कर रहे हैं उसी तरह से आपको भी करना है, क्योंकि हमने मसाला सिर्फ़ और सिर्फ रवे में डाला है, हमने फ़िश को मसाला नहीं लगाया है। इसलिए हमें रवे को अच्छी तरह से फ़िश को लगाना होगा तभी हमारी फ़िश अच्छी स्पाइसी बनेगी। अब हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर फ़िश को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब वो एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब हम स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से धीरे धीरे फ़िश को टर्न करेंगे और दोनों साइड से उसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम उसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो किस तरह से हमें टर्न करना है, किस तरह से हमें फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको भी फ्राई करना है, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतते हुए क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब हम गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पर उसे अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे ताकि अंदर से भी फिश अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, अंदर से कच्ची ना रहे। इसलिए हम लो फ्लेम पर भी उसे थोड़ी देर पकने देंगे और टर्न करते हुए उसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने सबसे पहले हाई फ्लेम पर उसे फ्राई किया था, उसके बाद हमने उसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पर भी फ्राई किया और जब ऊपर से अच्छी तरह से उसका कवर अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तब हमने गैस का फ्लेम लो किया ताकि वो अंदर से भी पूरी तरह से पक जाए।
या फिर ऐसा ना हो जाए कि ऊपर से अच्छी तरह से पक जाए लेकिन अंदर से कच्ची रहे, ऐसा ना हो इसलिए हम लो फ्लेम पर भी उसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हो हमारी फ़िश पूरी तरह से रेडी है, तो चलिए उसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। और जब इसे पूरी तरह से हमने ये तमाम पीसेस को निकाल लिया है तो बाकी के पीसेस भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो देखा आपने, हमने तमाम पीसेस को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और कितने कम टाइम में हमने इसे फ्राई किया है। तो चलिए इसे थोड़ा गार्निश करते हैं। गार्निश करने के बाद इस तरह से अगर आप मेहमानों को खिलाएंगे या अपने घर में भी इस तरह से सर्व करेंगे तो जिसको फ़िश नहीं पसंद है वो भी शौक से खाएगा। तो इस तरह से आपके लिए पेश है टेस्टी और डिलीशियस पॉमफ्रेट रवा फिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।